महान क्रांतिकारी अमर बलिदानी शेरदेव सुमन जी की जयंती पर आप कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर उन्हें याद करते हुए जयंती मनाई। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा, उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि श्रीदेव सुमन ने राजशाही के खिलाफ आंदोलन करते हुए शहादत दी। वह उत्तराखंड के पहले आंदोलनकार क्रांतिकारी थे। मात्र 29 वर्ष की आयु में टिहरी रियासत और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ते हुए 84 दिन के कठिन आंदोलन अनशन के बाद उन्होंने शहादत दी। शेरदेव सुमन एक क्रांतिकारी नेता के साथ समाज सुधारक भी रहे, जिन्हें गढ़वाल का भगत सिंह भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि यदि मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना ही श्रेयस्कर है। और शेरदेव सुमन जैसे वीर क्रांतिकारी बलिदानी आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सादर प्रणाम। और आज हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है महान स्वतंत्रता सेनानी और बलिदानी जो है श्रीदेव सुमन जी की जयंती मना रहे हैं। इन्होंने एक लक्ष्य के प्रति जो है अड़िग रहे और उसके लिए जेल भी गए, लेकिन अभी भी अपने देश सेवा और स्वतंत्रता के प्रति जो है हमें एक प्रेरणा दे के गए हैं कि देश सेवा के लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उससे फिर पीछे ना हटें। जेल में काफ़ी समय जेल में रहे और इनको जो है इनका अंतिम संस्कार भी तरीके से पूर्ण नहीं हो पाया और इनको जो है वैसे ही जो है गंगा जी बहा दिया गया था। इन्होंने जो है इतना बलिदान देश के लिए दिया है, इसलिए हम सब मिलकर आज इनको जो है पुष्प अर्पित कर रहे हैं और इनकी जयंती मना रहे हैं। श्रद्धा सुमन इनको अर्पित कर रहे हैं।